अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमा एम्ब्रॉयडरी। आज हम इस सर्कल पैटर्न पर फ्लावर बनाएंगे। ये सर्कल है, इस पर हमने फ्लावर बनाना है और ये जो साइड पे लीव्स हैं ये एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो ये सारा जितना भी ये काम है मैं एंकर थ्रेड से करूँगी। ये फ्लावर बनाने के लिए देखिए, ये बड़ा एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ये मिनी सर्कल है। तो इसके ऊपर ये देखिए, मैंने मेरे पास नीडल है ये इस के, ये देखिए इस तरीके से मिड में हमने इस तरीके से लगा दिया। और जो दूसरी नीडल है वो हमने, ये दो नीडल का हम यूज़ करेंगे फिर से बनाएंगे। अब हमने इस पैटर्न पे फ्लावर बनाना है। अब इसके लिए मैंने ये देखिए यहाँ से इस नीडल के पास से यहाँ से इस नीडल को निकाल लें और ये देखिए ये यहाँ से ये इस तरीके से ये हमने इसको इस तरीके से नीडल के गिर्द से गुजारते जाने धागे को। ये देखिए मुकम्मल हो गया यहाँ पे। अब हमने ये जो नीडल्स के दरमियान में ये देखें, ये जगह है, यहाँ से हमने नीडल को निकालना है। इस तरीके से इसको बनाना, ये अब हमने ये जो नीडल्स हैं ये निकाल देंगे। अब यहाँ इसमें हम ये जो दरम्यान में इसके सर्कल है यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। अब हम इसकी ये ब्रांच बनाएंगे और ये हम स्टेम स्टिच से बनाएंगे। अब हमने ये लीफ बनाना है। पहले इसकी ये देखें, ये सेंटर में हमने यहाँ पे ब्लू नॉट स्टिच हम बनाएंगे यहाँ पे। ये लीफ के दरमियान में इस तरीके से हमने ये स्प्रिंग स्टिच से बना लिए। अब हमने यहाँ से ये देखें इसकी स्नोक से निडल को निकालना और ये जो हमने ये स्टिच बनाया इसके नीचे से इस तरह के निडल को निकालना है। देखें इस तरीके से हमने स्लीव को बनाना।
ये देखें ये सीक्वेंस ये लीफ बनेंगे और ये बाकी सारे लीफ भी इसी पैटर्न पे बनेंगे। ये पार्ट देखें सारा मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे हम वैगन व्हील रोज़ बनाएंगे। ये हमने सेंटर में इस तरीके से ये देखिए स्टिच लेने हैं। देखें इस तरीके से हमने इसे बना लिया। अब हमने ये यहाँ से हमने ये देखें बिल्कुल निकालना है। अब ये एक के ऊपर और एक के नीचे इस तरीके से हमने इसे बनाना है। ये भी रखें इसको इस तरीके से ये बन गया। यहाँ पे इसके मिड में हमने यहाँ पे बीट लगा देंगे एक। ये इसी तरीके से हम ये पहला वाला बनाएंगे। ये फ्लावर पैड पे लिखे मुकम्मल हो गए। ये इसकी कंप्लीट लुक है। आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।